गर हर्फ़े गलत हूँ तो मिटा कर देखो, मौजे तूफ़ा को तूफ़ा में बुला कर देखो, मेरे अल्फाज पे तो कदगन लगा दी तुमने, मेरे अफकार पे पहरे बिठा कर देखो। मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बना पाकिस्तान, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इजहार यकजहती कश्मीर भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय फौज की जानिब से मुसलसल और बदतरीन मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अहले पाकिस्तान ने भारत के जाबराना तसल्लुत के खात्मे और कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी तक मजलूम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का तजदीद अहद किया। हम भरपूर तरीके से मनाएंगे और इंशाल्लाह कश्मीर एक दिन फतह होकर रहेगा। इस्लामिक जितने भी हैं और यूनाइटेड नेशन सबको चाहिए कि उनके लिए खड़े हों, क्योंकि हमारा कश्मीर एक जन्नत है और जन्नत कभी किसी काफिर की हो नहीं सकती। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उसको आके और खुद इरादियत मिलना चाहिए। पाकिस्तान अपनी तरफ से तो सारी कोशिशें कर रहा है, ठीक है, और अब अकवामे मुत्तहिदा और आलमी दुनिया को भी चाहिए कि उसके ऊपर बड़ा कदम ले और उसको आजाद करवाए। कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में एक मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अहम मकामात पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। पहली बार पार्लियामेंट हाउस और ऐवान सदर के सामने भी इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और कौमी, मिल्ली और कश्मीरी नगमे भी बजाए गए। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा समेत शहर शहर रैलियां निकाली गई। अहम शाहराहों, इमारतों और पुलों को यौम यकजहती कश्मीर के बैनर्स और आजाद कश्मीर के झंडों से सजा दिया गया। चारों सूबों आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में खुसूसी तकारीब में कश्मीरी माओं, बहनों और भाइयों को सलाम पेश करते हुए काबिज सिक्योरिटी फोर्सेज का चेहरा बेनकाब किया गया। वफाकी दारुलहुकूमत में मुख्तलिफ मकामात पर कश्मीर में जुल्म व सितम को तस्वीरी सूरत में नुमाया किया गया। सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से मवाद अपलोड किया जा रहा है।